14 15 16 जो बहुत अच्छा नाव है तो बिच्छू अजगा गणेशा को हेयो अरे बा कहां देखो भैया तुमने 50 किलो को जो नहीं जा जो बिच्छू है ठीक है पर मेरे को जाना ठीक है और कौन खेलने नहीं आना ले तो ठीक है हमें जाओ कुगा पे हां और तुम तेरे हिसाब से काम काई हो जाना है जा में काम का हाँ, हाँ, तो नहीं पागल है पागल को तो हमें खूब पता है कि ना ऐसे हाथा पीने वो ना ना है ये ऐसा कैसे हाँ ठीक है तो ऐसा नहीं करने ठीक है देख तक के करने किया हाँ, पतिंगा को कहे समय है भी निकल रहा बहुत ज्यादा अब ठीक है ठीक है तो क्रांति का स्कूल पहुँचाएंगे भाई बैठा लेगा तो नहीं अपने मन से खुद पढ़ाओ देखो जब तक घाय के ना देखे बाल बच्चन का तो बाहर को कौन भी पढ़ा सका हाँ जो तो तुम ठीक है कह रहे हैं बिल्कुल घाई से सीखा थो सब हाँ तो ठीक है अभी स्कूल स्कूल जाना है ठीक है कम नहीं जाना है जा की बड़े जा हाँ बच्चा अबे लो तुमने साफ चीज देखी हुई है साफ चीज देखी हुई है अबे लो 50 किलो का बिच्छू ना देखो जी बिच्छू आओ बिच्छू 50 किलो को मंगाएगा कि कहो चाचा बिच्छू बिच्छू की ना कहो 50 किलो का 10-20 ग्राम बहुत हो अरे 50 किलो का है होता ही नहीं है ऐसे ए कौन भैया तुमने देखो है कौन मैंने कहूं नहीं देखे है बैठो 10-20 ग्राम तो बहुत हो 50 किलो का होता नहीं है पागल है जी बैठो बैठो हम बताओ कहां देखो भैया तुमने 50 किलो को जो नहीं जा जो बिच्छू का है बिच्छू यार मजाक उत्ती कहेंगे यार इतनी आदमी से सके बोल रही इतने बड़े आदमी को बिच्छू दो तुम के अरे तो हम ना बिच्छू तो कहा होगा भैया हम ना बिच्छू हाँ तो तुम वाली है अपनो ऐसी मजाक नहीं करो इतने बड़े आदमी को बिच्छू तुम के बताओ ना है उनको मजाक का तो बिच्छू ना करी ना हाँ तो ना बिच्छू तो कहा तुम पूरे कहा भाई मजाक बोला तो फिर हम डंगल नहीं फैल रहे तो डंग के डंगल नहीं फैल रहा है बिच्छू को आओ जो डंग लगा दे बे मार से गई बाग मजाक उत्ती कहेगा जितनी सुनो खुश रह सको अंदर पे हमें इतनी उत्ती का फिर अरे ये तो ना ना ले बे तो अरे तू बहुत अच्छा ना है 14 तू बहुत अच्छा ना 14 14 ना तो 14 तो अच्छा अरे वाह 14 15 16 जो बहुत अच्छा ना है तू बिच्छू अजगा गणेशा को हेयो अरे वाह हम ना बिच्छू तो हमारा लगा हमारे एक डंक में तुम्हें प्राण दे देना सुन लाई हम ना होंगे सब तुम का किन ले 14 को का करने हम तो 13 से काम चला ले 15 चला ले 14 बिना चाहिए तू बहुत अच्छा ना 14 तो एक पे 14 अब तो नहीं जो 60 किलो से कम को ना करा तुम्हें सकते हमने बिच्छू नहीं देखो जो ये 60 किलो का बिच्छू है जो ये 70 किलो का करा बिच्छू जो बहुत जहाया है इसमें आपसे मंगाया देख तो रही में कितनी भास हो गई मम्मी मम्मी होते इतना बड़ा बिच्छू है तो कैसे है पगलू है नाम नहीं लेने हो पापा को नाम बाबा बाबा कह देने आओ है कीरा पतीरा ऐसा कह देने आओ ठीक है मम्मी या पापा कह दे हाँ बेटा ठीक है ऐसे लेने नहीं आओ नाम ठीक है हाँ। जाओ फिर खेलो है जाओ कौन है सो रे आइए कौन पढ़ में कहाँ है को गानिया है गानिया कहे हाँ उठे तो कछु के उसके जात पढ़ भी कहे आउ ए बी सी डी आउ छोटवा बड़वा आउ गिनती आउ गिनती आउ थे गिनती सुना एक ना एक दो इन दो देखा तीन चौके चार पंचे पाँच छक्के छः सत्ते सात अट्ठे आठ न्याम नौ न्याम दस एक पे एक ग्यारह एक पे दो बारह एक पे तीन तेरह एक एक पे चार पापा कौन जो पापा कौन जो एक पे चार पापा हम देखिए इंती का पापा का नाम नहीं लेंगे सुकाई ना नहीं लेने वो पापा को सुकाई गिनती ना सुना का ना तो अब थे गिनती में का पापा का पापा है चौदह हाँ चौदह हाउस आऊंगे गिनती तो सुनाऊंगा कम से कम स्कूल में ऐसी कायद का पढ़ने लिखने हिंदी मुझे ससुर हाँ जमा हाँ स्कूल जाइए कल से हाँ बताओ तो आजकल की लड़ाई बता कत के ना हो आओ चौदह आओ तो धाएगा जो सो धाएगा उसको मिटाता है बताओ लड़े ऐसा सीख जाए तो बताओगे तो
14,000 के जंगा पापा 1,000 कहने समझ में नहीं आ कह दीजिए का हो रहा आजकल तमा मम्मी पापा के उपाय बने तो वो बता पटक दा पूरा मत आई रे का होगा इतने अच्छे तो गए थे भी कहाँ से फतरा पटक दो का हुआ बेटा चलो 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 कहाँ हुआ कहाँ पापा है चलो कहाँ रे पटक दो रे फतरा है कहाँ फतरा को फतरा कहाँ को फतरा ये मोड़ी तो कह रही थी कि पापा के ऊपर पटक पत्रा पटक दो अरे हाँ मुँह ऊपर कहाँ को पटक है कमें किसे लहन जाओ किसे काके ना सही ऐसे तो थोड़े जाएंगे तो काम तो अपनों कर रहे हैं कुआ कर तो बेटा तो उसे कुआ कर तो किने तो बता देगा मुझे बस आप बता क्या मम्मी तो कहती है बिच्छू नहीं कहेगा पापा को ना आवाज बिच्छू के ऊपर आज मैंने पता पटक दाओ पत्रा सामने कह दी के पापा के ऊपर पटक दाओ हाँ तो ऐसी नहीं कहा लेती बेटा तू पापा के ऊपर पता पटक दा सोगा सासी लग गई पापा के ऊपर पटक दा अब इसमें मूरी का गलती है ना मैंने बोली के नाम नहीं ऐसा जांच पड़ताल तो कही जाते कौन अब बताओ के उनने आदमन ने क्यों बिच्छू मारो बाल बच्ची ने देख ला उनने कही बाल भैया आदमन ने बिच्छू के ऊपर पता पटक दा तूने जो से कहा था पापा की कह देंगे तो मैंने कही के तो लड़ाई लड़ाई ले लई हुए कहूं अब जाओ तो हम ऊपर आदमी पता पटक गया जा काम देखो अपना चलो बेटा रोटी बना भी तना भी नकन्या लेता है अरे अरे काट खाओ रे इन्हें काट खाओ अरे जो तू नहीं ने काट खाओ उन्हें ने काट खाओ जो तो हमने उनको काबे गारू तू अरे उन्हें काट खाओ रे हमने काबे गारू जो तो तल्लो चढ़ा था रे ओ मत आए अब तो मैं जाने रे वो तो चढ़ते यार रे अरे आती जाती बनी रही और बनी रे चिनार रे रोबे लगू जो है कहे कछुनिया में आओ मच पाई का कह रो जब हो जाती अरे उन्हें काट का का कर राम रे होगा भौजी उन्हें काट का किन्ने उन्हें काट का उन्हें अच्छा उन्हें किन्ने उन्हें काट का इतना तो मुंह दर्द ना आसिया लगे में ना दस्त लगे में ना कचू में चाकू लगिया लग जाते इतना दर्द नहीं हो तो इतना पटो जा रहा राम रे मर जाने उन्हें काट का अरे तो इतनी गम मत खाया गाय हमें पता है दांत फूटे बताइए भौजी दांत फूटे काट का रे एक तो दांत इन्हें कुत्ता ने काट खाओ हाँ इतना दर्द तो नहीं हो तो उतना कचू काटे से लेकिन उन्हें इनके काटे से इतना दर्द हो रहा तो मैं जाने लवा चलो रे कीने उन्हें उनको ना नहीं है उन्हें काट का रे तो खाली है मुझे एक आउ जहाँ पड़गा का हाँ इतना तो नहीं उन्हें काट का कितने कितने काट खाओ ने काट का रे जब पूरा फटो जा रहा बात लबाव चलो रे तो कितने लबाव चले ऐसा हम बता तो मरे जा रहा रे राम रे मताई रे होटल में जो सेवन होता है भाजी आई रे कौन है सब वो तो भाग गया रे काट के अच्छा काट के भाग गया राम रे का करे ने क्यों गा तो वो तो मां चलूंगा काट के उन्हें काट का रे उन्हें काट का कीने सुना नहीं है उनको उन्हें काट का चले सो कछु पतो तो होवे जो असि लुवा चले काटो किने तुम ओसे दुश्मनो है नहीं ने काटो काट के भाग गओ बहुत तेज काट रहे हो अब तो मरे जा रहे नहीं उंगाएगा तो हमें दिखाएगा का कल्लू तो परी सेवरी तो है अरे रे राम रे हो जा नहीं जब हो जाए लगी जो भी कट के उन्हें काट खाओ कीने काट खाओ अब तुम बैठो ना बस काट खाओ नहीं ने उन्हें काट खाओ राम रे हाँ तो ये
हम बताओ जा रहे के उनाई ने काट खाओ क्या कछु आया प्रात भौजी कछु नहीं प्रात तो नो तो कछु रुक काटी के प्रात दे से नहीं प्रात मुंह हंस गया लग जा तो नहीं प्रात तो चाह में मां चली या कोलैया लग जा तो नहीं प्रात इतना नहीं प्रात रे जितना आवाज प्रा उनाई ने काट खाओ अब मैं तो जब से बैठो भैया एक घंटा से मैं बोली तो आंखें लाल पागी भौजी की अरे राम रे बचाओ अच्छा बची यार तुम्हें बता दे तुमने काटो नहीं ने काट ये बे खोया हमें उन पे मिल जावे ना कोआ बे नहीं ने काट का उनको नाम नहीं या हम उनको नाम नहीं ले सकते तब ये कौन तुम्हारे रिश्तेदार है लगा ओ नहीं ने काट का अरे तो भौजी तनक मनक लो तो बताओ तो कछु हिंट तो दो हमें कीने उनने नहीं ने काट ला हम नाम नहीं बता सकते अरे तो मोटो अंदाज तो बताओ कछु क्रांति के पापा ने काट ला जब आई तो मैं कहूँ के भौजी तो कह बती भौजी बिल्कुल ना घबरा मैं देखा अरे राम राम मुसास को काट के भागा गा हुआ रुक जा हम देखे मूंग जा भौजी मूंग जा मैं आऊ चलिए भाई क्या तेरा अच्छा तुम काट क्यों सुधो का डाक खुदे आके गाड़े हमें मतलब कई भौजाई हम तने काटो उंगा जा में काटन को है क्या गाल माल में काटतो तो जान लेते कहो भाई चूमा चाटी हो थुइये ऐसी बात कर रहे पगला मगला होगा को उल्टी बात है कैसे हमने लगाई अब मान सना तुम काटन लगे कोन भैया सांप को काटतो तो क्यों झावाउते अरे बगाज मा तलो लो जाते तुम्हारो काटो कितने है हमें बताओ अरे ये काट खाओ यार फालतू की बात कर रहे हम अपने भैया खेत में काम कर रहे हैं बड़ा 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 उतार कोई उभोज की जा उंगा के पूरी तो सेवी धैये डाल के तैन है के चपा दी कहे हमने कहा काट दिया किसी बात कर लो आते हैं यहाँ पगला होगा का हमसे उन्हें कही है के उन्हें क्रांति के पापा ने काटो ऐसी कहने लगी क्रांति के पापा ने काटो हाँ रो रही ऐसी मतलब हमारी लाभी जो आवे लगी लाभ ये जा ताला फड़ाई बा अरे मैं सवे से कड़गा तो भैया मैं तो खेत पे आया मैंने कहा काटो के लड़ा मुक्का काटने का मोए मु काट के वे ककल ने समझ में नहीं आ कोनो बात आ उल्टी बात कर लेते लाभ ये कही बा क्यों पथा मथा में चप गई हुई होगा ये हमारी के थी बा भगवान साख बा जा कही के क्रांति के पापा ने काटो केम दर मोट में मोट लग गई ये हमारी कन लगी सो दाय मोट को ना क्रांति के पापा चल बा चल हम बताओ तो चल हम देखे हमने काटो नहीं जब फालतू राम जी कह तो ही चल अरे बा चल आ देख अरे भाई जब मेरे कहा होगा ये काटो कहा होगा उनने काट का उन्हें तो काटो कीने जो कहानी बता हमारी तो मैंने काट का अरे हमने तो कभी काटो हमने अपने मुंह से काटो तू हां तो मैंने काट का वही समझ में भगवान साख भैया मैंने नहीं काटो पूरे में भूत जा रहा हूँ अरे तो मेरा तो कभी काट नहीं हमें जा बता तो आज ना हाथ से सियो हो तो मैंने काटो हमने अपने ईमो से काटो तो ईमो से काटो हाँ तो मैंने वहाँ भी कर रही वहाँ भी के आई वहाँ भी के आई तो कितने कितने इतना टक्का भाई सिल गई हमने भैया भगवान साख हमने नहीं काटो यार ते सास ही बताई अन्य साख हम दम फाड़ो मार दे अब तो काट के ना फाड़ो हल्ले मैं तुम्हें तो बोल ले कत के मैं कह चुके थे ना तो संस्कार नहीं है जो नहीं है वो नहीं है ले हम कछु ना कहते सास ही साजी बता दे अन्य साख हम दे आज ही फाड़ो मार ते हमारी कैसी लाभी लगाई कि हमने काटो क्यों कि ना वो नहीं करने आओ जो नहीं करने आओ संस्कार नहीं है ऐसी है वैसी है वे ते जो बता देगा काटो कीने ले हम कछु नहीं कहे हम कछु ना कहे ले बता
पहुंचे। हमेशा नहीं लेते तमाम नाम की तमाम अपमान न हो। अरे तो कसम साहब हमें यो नौ बिच्छू है कर जी को असलियत में नौ बिच्छू है वो तो ले सकत के नहीं के हमेशा नहीं लेते के को गचू अपमान न हो। ले बांध दे भाई चढ़ मेरा नहीं मैं जाता अरे रोग तो चढ़ अब रोए से कोने में नहीं जाने पहले कोने चढ़ गो भोजी कोने चढ़ गो दल पहले इतना चढ़ू पे इतना पूरे फट हो जा रहा है तो बांधने तो ऐसा ही आया मौत थोड़ी बांधने हवा में जाने आ तो मारे जा रहा है कोने चढ़ गो हां हां मोलवा का तू नहीं अरे अब शांत हो जा कहां को बाल बच्चन है वो में लगी 24 घंटा रहने से 24 घंटा रहने से चलो मैं जाने अरे नहीं बात आई रे तो ना काटो तो नहीं लगा तो काजू के जितना जो काटो बाबे काऊ का बाल बच्चन है बता दे दी तो हम इन्हें दवाई वाई लगा दे दी जावा दे दी हमने बता नहीं दो के हमने इसे नहीं बता दे के अपमान ना हो रे अरे अब नौ बिच्छू कटे नौ नहीं ले तो भैया कैसी लगी जा कहानी जाए कॉमेडी वीडियो हती थी मतलब पति को ना बिच्छू कहते तो वजह से कितनी गलत फहमियाँ हो जाती सो समस्याएं हो जाती सो जिसो भी लगो कमेंट में जरूर बताइए हमारे ने और भैया 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं तना की मना कमी है तो आप लोग जब कमी पूरी कर दो सब्सक्राइब करके और 4 लाख सब्सक्राइबर करवा दो। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।